पीसा की झुकी हुई मीनार यानी लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। यह मीनार दुनिया भर में कोतूहल का विषय है। सैकड़ों वर्षों से यह मीनार अपनी विशेष स्थिति के कारण चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा मंदिर है जो इस मीनार से कई ज्यादा हैरतअंगेज है। पीसा की मीनार अपने आधार से करीब 4 डिग्री झुका है, लेकिन यह मंदिर 9 डिग्री तक झुका हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर की, जिसका रहस्य आज भी बरकरार है। इतिहासकारों ने पीसा की मीनार की खासियत दुनिया के सामने तो रखी, लेकिन रत्नेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख करना शायद भूल गए। आज हम आपको इस मंदिर की वो खासियत बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। इससे जानने के बाद आप पीसा की मीनार को भूल ही जाएंगे। पीसा की मीनार की खासियत। इटली का एक छोटा सा शहर है पीसा, वही है ये विश्व प्रसिद्ध पीसा की झुकी हुई मीनार। वर्ष 1173 में इस मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसे पूरा करने में 200 साल लग गए थे। पीसा के लोगों और एक दूसरे इतालवी नगर फ्लोरेंस के लोगों का 36 का आंकड़ा था। दोनों ने कई युद्ध लड़े थे और फ्लोरेंस के लोगों को नीचा दिखाने और अपना बड़प्पन साबित करने के लिए ही ये विशाल मीनार बनाने की शुरुआत हुई थी। मीनार का निर्माण शुरू होने के 12 साल बाद ही साफ हो गया कि ये टेढ़ी हो रही है, लेकिन तब तक इसकी 8 में से 3 मंजिलें बन चुकी थी और आज तक बड़े जतन से इस मीनार को गिरने से बचाया जाता रहा है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की खासियत। मंदिरों का शहर काशी, जिसका दूसरा नाम बनारस भी है, यहाँ पर विश्वेश्वर खंड में रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। अजीब बात ये है कि ये भी एक तरफ से झुका हुआ है। इस मंदिर के बारे में आश्चर्य करने वाली बात यह भी है, सावन के महीने में रत्नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा नहीं होती, ना तो यहाँ आरती होती है, ना ही घंटों की ध्वनि गूंजती है। महाशमशान के पास बसा करीब 300 साल पुराना यह मंदिर आज भी लोगों के लिए आश्चर्य ही है, साथ ही आकर्षण का केंद्र भी है। इससे पीछे बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। कई लोगों का कहना है ये शापित मंदिर है, इसमें पूजा करने से घर में कुछ अनिष्ट होता है, इसलिए इस मंदिर में पूजा नहीं होती। दोनों ही जगहों का तुलनात्मक अध्ययन। पीसा की मीनार अपने आधार से करीब 4 डिग्री झुका है, लेकिन रत्नेश्वर महादेव मंदिर 9 डिग्री तक झुका हुआ है। पीसा की मीनार लगभग 800 साल पुरानी है, तो वही रत्नेश्वर महादेव मंदिर 300 साल पुराना है। पीसा की मीनार की ऊंचाई लगभग 183 फीट है और रत्नेश्वर महादेव मंदिर की ऊंचाई लगभग 40 फीट। यह मंदिर 6 महीने तक पानी में डूबा रहता है। अब नजर डालते हैं दोनों की वास्तुशिल्पी की व्याख्या पर। तो आपको बता दें कि इटली में पीसा की प्रसिद्ध मीनार के वर्ष 1280 के बाद से कई शक्तिशाली भूकंप के बावजूद खड़े रहने के पीछे की वजह उसकी नींव में डाली गई नरम मिट्टी है। इस प्रक्रिया को डायनेमिक सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन कहा जाता है। शोध समूह में ब्रिटेन में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के इंजीनियर भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में वर्ष 1280 के बाद 4 बार शक्तिशाली भूकंप आए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस मीनार का बाल भी बांका नहीं हुआ है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना राजमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई ने करवाई थी। आधार कमजोर होने के कारण कालांतर में यह मंदिर एक ओर झुक गया, जो अपने आप में अनोखा है। खास बात यह है कि मंदिर के झुकने का क्रम अब भी कायम है। मंदिर का छज्जा जमीन से 8 फुट ऊंचाई पर था, लेकिन वर्तमान में यह ऊंचाई 7 फुट हो गई है। मंदिर के गर्भगृह में कभी भी स्थिर होकर खड़ा नहीं रहा जा सकता है। बताया गया है कि तत्कालीन नगर आयुक्त बाबा हरदेव सिंह के समय इस मंदिर को सीधा करने और इसकी देखरेख की कवायद शुरू हुई थी। इंस्टाफीड।